हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। तो गाइस, अभी है आफ्टरनून का टाइम और देखिए सात्विक क्या कर रहा है। क्या देख रहे हो बिटू? तो सात्विक अपना जस्ट लंच किया और वो अपना पोयम देख रहा था और उनके पापा वहीं पर बैठ के अपने फ़ोन से कुछ देख रहे थे। वो थोड़ी देर के लिए वो अपना फ़ोन रख कर वो अपने हेड पे कुछ हुआ है वो नोचने चले गए। और यहाँ पे देखिए सात्विक उनका फ़ोन पकड़ लिया और यहाँ पे उसको लग रहा है कि वो फ़ोन खुद ही ऑपरेट कर रहा है क्योंकि वो कुछ कुछ टच करते रहता है और अगर वो टच का कुछ होता है तो उसको ये लगता है कि उसको फ़ोन ऑपरेट करने आता है। अब देखिए वो अपना फ़ोन लेना चाह रहा है, साथ ही अगर दे भी दिया तो वो फिर से वापस ले लेगा। और देखिए इन्होंने क्या किया, अपने हेड पे कुछ हुआ था उसमें नाखून लगा दिया और वहाँ से ब्लीडिंग हो रही है, पर इनको पता नहीं है कि वो ब्लीडिंग हो रही है। अभी मैं बताऊँगी तब उनको पता चलेगा। देखिए फ़ोन दे दिया, अब वो फिर से वापस लेने की कोशिश कर रहा है लेकिन वो ले ही लेगा। वो हम मोस्टली ऐसा ही करता है, वो दो मिनट के लिए दे देता है फिर से वापस ले लेता है। मैं इनको अभी बता रही हूँ कि आपके हेड पे ब्लीडिंग हो रही है, इनको पता ही नहीं है। और जब मैं इनको वेट टिश्यू दूंगी साफ करने के लिए तब इनको पता चलेगा। देखिए अब उनको पता चलेगा। तो गैस उसके बाद हम सोचे कि आज इनका ऑफ है तो हम सात्विक को थोड़ा बाहर घुमा देते हैं। वैसे तो सात्विक शाम में सो गया था और अभी इनको क्लास भी लेनी है तो इन्होंने बोला कि अगर चलना है तो जल्दी से चलो। तो हम थोड़ी देर के लिए सात्विक को घुमा दिया और मैं चाहती थी कि सात्विक अभी ना सोए क्योंकि अगर वो अभी सो जाएगा तो वो रात में सोने में थोड़ा प्रॉब्लम करेगा या लेट से सोएगा। तो मैंने इसको उठा दिया और सात्विक घूम कर थोड़ा अच्छा ही फील कर रहा था। फिर मुझे डिनर भी रेडी करना था इसलिए हम आ गए घर और इनको क्लास लेनी थी। तो आज इनको डिनर में खाना था एग करी। वैसे तो मुझे ये सब बनाने में उतना मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ लेकिन अभी मेरी मम्मी आई हुई थी सात्विक के बर्थडे में तो मैंने उनसे सीख लिया इस तरीके से मैं, और दूसरे तरीके से बनाती थी वो थोड़ा सिंपल तरीका है, वो बिगनर्स के लिए अच्छा है। तो एग को गोल्डन ब्राउन होते तक भूनना है, फिर अगर ऑयल गर्म हो गया उसमें जो अनियन रहेगा उसको भी हमें गोल्डन ब्राउन भूनना है। फिर मुझे मेरे पास पत्ते वाली मेथी थी वो मैंने डाल दिया और जितने भी मसाले हैं उसको मैंने रोस्ट करके सबको ग्राइंड कर दिया है इसलिए मैंने उसमें कोई एक्स्ट्रा मसाला ऐड नहीं किया है। और इसको तब तक पकाना है जब तक कि वो ऑयल अलग ना हो जाए। देखिए अब ये मसाला बहुत अच्छे से पक चुका है तो अब हम इसमें थोड़ा सा टमाटर ऐड कर देंगे और इसे तब तक पकाएंगे जब तक ये पूरी ना जाए। उसके बाद जब ये अच्छे से पक जाए मिक्स हो जाए तो हमें ये जो भी हम एग बना रहे हैं और उसके साथ मुझे पोटैटो थोड़ा अच्छा लगता है, मेरा फेवरेट है तो मैं इसीलिए उसमें ऐड कर दिया। और देखिए ये कितना यमी लग रहा है, आप इसे ऐसे ही भी खा सकते हैं लेकिन इनको ग्रेवी वाला पसंद है इसलिए मैं इसमें पानी ऐड कर रही हूँ। गैस एग करी ऑलमोस्ट रेडी है और ग्रेवी की विस्कोसिटी आप पर डिपेंड करता है कि वो आपको कितना रखना है। देखते हैं सात्विक क्या कर रहा है। क्या कर रहा हूँ सात्विक? क्या कर रहा है मेरा बेटी? क्या कर रहा है? क्या कर रहा है भैया? क्या कर रहा है सात्विक? तो गाइस देखिए आज सात्विक का मूड बहुत अच्छा है और वो अपने टॉयज के साथ खेल रहा है। सॉरी ये टॉयज नहीं है उसका, सात्विक को टॉयज पसंद नहीं है। ये हमेशा कभी नेजल ड्रॉप से खेल रहा है, कभी वेसलिन के डिब्बे से खेलता है, कभी पाउडर के डिब्बे से खेलता है, कभी प्लेट से खेलता है। तो जिस बच्चों को टॉयज मिलता है उस बच्चों को टॉयज पसंद नहीं आते और इसका जब मूड अच्छा होता है तो ये अकेले ही खेलता रहता है। देखिए यहाँ पे कितने मज़े से खेल रहा है, बगल में उसके पापा बैठे हुए हैं। तो गाइस आज की वीडियो मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ और आप भी अपना ख्याल रखिएगा, मस्त रहिएगा। मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।